हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल काफी बार पूछा जाता है कि हम स्टूडेंट है, कौन सा आईटीआर फॉर्म भरें। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वैसे तो जवाब बहुत ही आसान है, अगर आप स्टूडेंट हो तो ऐसा कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म आपके लिए बनाया नहीं गया है कि नहीं स्टूडेंट हो तो यही वाला आईटीआर फॉर्म आपको चूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप सोचोगे कि फिर हम अपना इनकम कहां पर दिखाएं, बहुत ही आसान जवाब है। आपका जो इनकम है उसका जो नेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करना है। एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है कि कैसे आईटीआर फॉर्म आपको चूज करना है इनकम के बेसिस पर, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आईटीआर फॉर्म हम भरें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए आईटीआर फॉर्म चूज करने में। मान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन गेमिंग से इनकम हो रहा है, ड्रीम 11 से इनकम हो रहा है, आप कोई गेमिंग कंपटीशन में इंटर करते हो, वहां पर आपको प्राइज मिल जाता है। तो इस तरीके के जो ऑनलाइन गेमिंग के है या बेटिंग के है, काफी लोग बेटिंग भी करते हैं, तो इस तरीके के जो इनकम होते हैं उनके लिए आपको आईटीआर 2 फॉर्म चूज करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ यही इनकम है तो आईटीआर 2 फॉर्म चूज करना है। मान लीजिए कि इन इनकम के अलावा आपको सैलरी भी है तो भी आईटीआर 2 ही चूज करना है। बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए, बिजनेस इनकम अगर है तब आईटीआर 3 करना, अदरवाइज सब केसेस में आपको आईटीआर 2 ही चूज करना है। अब मान लो आप स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, सैलरी मिल रहा है तो आईटीआर 1 आप भर सकते हो। मान लो स्टूडेंट हो, इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है शेयर मार्केट में, ध्यान देना इन्वेस्टमेंट मैं कह रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया हुआ है, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है तो आईटीआर 2 आप भर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप ट्रेडिंग भी करते हो अगर शेयर मार्केट में, तो आईटीआर 3 फॉर्म आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हो लेकिन उसके साथ साथ आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो छोटा मोटा, ठीक है, वहां से आपको इनकम हो रहा है, तो आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फॉर्म चूज कर सकते हो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप आईटीआर 4 चूज करना क्योंकि बहुत ही आसान फॉर्म है, आसानी से आप भर सकते हो उसको, ठीक है। उसके अलावा वीजा अप्लाई करने के लिए भी कुछ स्टूडेंट आईटीआर फॉर्म भरते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको डिसाइड कर लेना है कि आपका क्या इनकम सोर्स आपको दिखाना है, और उस सोर्स के हिसाब से आप आईटीआर फॉर्म चुन लीजिएगा और अपना आईटीआर भर दीजिएगा, ठीक है। अब जितने भी आईटीआर फॉर्म है, आईटीआर 1, 2, 3, 4 सब के वीडियो ऑलरेडी हमने बना कर रखे हुए हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चूज कर लीजिएगा। सबसे पहले आप नेचर के बेस पर आईटीआर कैसे चूज कर सकते हैं उस वीडियो को देखिएगा, जब आपको पता चल जाए कि आईटीआर फॉर्म कौन सा लगेगा आपके लिए, तब उस आईटीआर फॉर्म को कैसे भरा जा सकता है उसका वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई भी क्वेरी अगर फिर भी बच जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।